अस्सलाम वालेकुम। आज की हमारी रेसिपी है साबुदाना फिंगर। साबुदाना फिंगर बनाने के लिए हम एक कप से थोड़ा सा कम साबुदाना ले रहे हैं, एक कप से थोड़ा सा कम हम भुना हुआ सिंगदाना ले रहे हैं, 5 उबले हुए मीडियम साइज़ के आलू। पहले हम इसे सिंगदाने को दरदरा पीस लेंगे, साबुदाने को हम एकदम बारीक सा पीस के पाउडर बना लेंगे और आलू को ग्रेट कर लेंगे। अच्छे से हमारा बन के तैयार है। साबुदाने का पाउडर हम बना लिए, सिंगदाना दरदरा पिसा हुआ कर लिए हैं, आलू ग्रेट कर लिए। पहले हम आलू में कुछ मसाले ऐड कर लेंगे। साबुत हम ज़ीरा ऐड कर रहे हैं, इसमें हरा धनिया ऐड करेंगे, 1 चाय का चम्मच भर के हम मिर्ची का पेस्ट ऐड कर रहे हैं, 1/2 चाय का चम्मच हम लहसुन अदरक का पेस्ट ऐड कर रहे हैं इसमें, 1/2 चाय का चम्मच हम भुना हुआ ज़ीरा पाउडर ऐड कर रहे हैं, नमक ऐड करेंगे स्वाद अनुसार, साबुदाने का हम पाउडर ऐड कर लेंगे इसमें, सिंगदाने का दरदरा हुआ हम पाउडर ऐड करेंगे इसमें। अब इन सबको हम अच्छे से मिक्स कर लेंगे। पहले अच्छे से मिक्स हो गया है, इसमें हम थोड़ा सा तेल ऐड कर देंगे। अब इसे हम किसी साफ जगह पे रोटी की तरह हम बेल लेंगे, ज़्यादा मोटा नहीं, ज़्यादा पतला नहीं। थोड़ा सा तेल हम और ऐड कर देंगे कि हमारा चिपके ना, इसे बेलन से या हाथों की मदद से आपको जितना पतला चाहिए या मोटा चाहिए उस हिसाब से आप कर सकते हैं। बेलन की मदद से हम इस तरीके से बेल लिए, ज़्यादा मोटा भी नहीं है हमारा, ज़्यादा पतला भी नहीं है। अब इसे हम जितना हमें पतला चाहिए फिंगर उस हिसाब से हम पहले काट लेंगे, जितना लंबाई इसकी चाहिए हमें। तब हम आराम से काटेंगे कि हमारा बीच में सिंगदाने की वजह से टूट रहा है, जो बिल्कुल टूटे ना फिंगर। अब उसे हम जितना आपको पतला चाहिए उस हिसाब से आप काटेंगे। सारे फिंगर हमारे कट के रेडी है। अब इसे हम थोड़ी देर ऐसे ही रखेंगे जब तक हम तेल गर्म कर लेंगे। अगर इससे आपको पतला चाहिए तो पतला भी काट सकते हैं, इससे मोटा भी चाहिए तो आप मोटा भी काट सकते हैं। आप देख सकते हैं ये ज़्यादा हम पतला भी नहीं किए, ज़्यादा मोटा भी नहीं किए हैं, बिल्कुल हम मीडियम रखे हैं इसे। तेल हमारा गर्म हो गया है, इसे हम एक एक करके डालेंगे, ज़्यादा हम एकदम हाई भी नहीं किए तेल को कि हमारा ये अंदर से कच्चा रहे ऊपर से पक जाए, इसे हम मीडियम टू लो पर ही फ्राई करेंगे। इसी तरीके से हम सारे फिंगर ऐड कर देंगे तेल में, इसे हम अच्छे से फ्राई कर लेंगे गोल्डन ब्राउन होने तक। इसके हम साइड चेंज कर लेंगे जल्दी से। हमारा फ्राई एक साइड हो गया अच्छे से सारे हम। ये भी हमारे फ्राई हो गए, इसे हम निकाल लेंगे। देख सकते हैं आप दोनों साइड गोल्डन ब्राउन। बाकी के भी हम इसी तरीके से फ्राई करेंगे। अगर आपको ज़्यादा लगे तो इसे आप फ्रिज करके भी रख सकते हैं, जब भी आप इसे फ्रिज करके रख के निकाल के फ्राई करके खा सकते हैं। साबुदाना फिंगर हमारा बनके तैयार हो गया। आप देख सकते हैं कितना ही अच्छा देखने में भी और खाने में भी इसका टेस्ट बहुत अच्छा है। और इसके साथ हम चटनी रखेंगे। अगर साबुदाने की आपकी फिंगर साबुदाने की रेसिपी आपको पसंद आई हो तो लाइक करिए, शेयर करिए, सब्सक्राइब करिए। अल्लाह हाफिज़।